इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल से साइट से कैसे हम बैक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मोस्ट कॉमनली एंड्रॉयड फ़ोन में ये नीचे यहाँ पर बटन दिखाई देता है, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर और एक ऑप्शन होता है बटन को गायब करके आप साइट से भी बैक कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे सेटिंग से चेंज कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, और मोबाइल में सेटिंग में जाकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन में मिलता है एक एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन का डिस्प्ले मिलता है, आपको इस फुल स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फुल स्क्रीन पर आप क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है बटन्स का, यहाँ पर बटन्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये नीचे बटन दिखाई देते हैं, और आप अगर फुल स्क्रीन गेस्चर पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फुल स्क्रीन आपको दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फुल स्क्रीन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है मेरा जो बटन्स थे, बैक बटन, होम बटन, और वो जो बटन है वो गायब हो गए हैं। अभी अगर मैं बैक करना चाहूँ तो मैं साइड से बैक कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा साइड बैक ऑन हो गया है, यहाँ से साइड बैक ऐसे ऑन करते हैं। अगर आपका रेडमी मोबाइल नहीं है, कोई भी एमआई मोबाइल नहीं है, तो आप यहाँ पर सर्च बार पर आप सर्च कर सकते हैं नेविगेशन का, और नेविगेशन का जैसे आप सर्च करोगे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, उस ऑप्शन को चेंज करके आप अपने साइड बैक को ऑन कर सकते हो, और ऐसे करके नीचे से अप डाउन करके आप होम स्क्रीन में डायरेक्ट जा सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में साइड बैक को ऑन कर सकते हो और नेविगेशन कीज़ को जो है नीचे उस कीज़ को जो है हाइड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।